हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आओ। आज का जो वीडियो होगा, इस वीडियो में हम अलग अलग टाइप के स्लाइडर के बारे में बात करने वाले हैं और ओरिंग लगाएंगे हम। जो ओरिंग होगा उसकी कैलकुलेशन क्या होती है, मार्केट में स्टैटिक ओरिंग आती है, ठीक है, आपकी मूवेबल ओरिंग आती है, इसमें क्या डिफरेंस होती है और ओरिंग की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इस वीडियो में हम कम्प्लीट बात करने वाले हैं। लेकिन आपने जो स्लाइडर देखा है, इस स्लाइडर थोड़ा सा अलग है। हियर यू कैन फाइंड यू हैव हैविंग ए रोटेशन, वी हैव हैविंग अ रोटेशन, हाउ टू इजेक्ट दिस सच टाइप ऑफ रोटेशन इन हाई स्लाइडर, ठीक है। तो स्लाइडर में इस तरीके से रोटेशन होता है तो इसको हम कैसे निकालेंगे। अगेन वी हैव ए थ्रेड, राइट, यहाँ भी आपका थ्रेड है। तो थ्रेड को ऐसे इजेक्ट कैसे करोगे, आप अंदर से लिखोगे ना, अंदर से आपका ग्रूव है, ठीक है, ये देखो अंदर से आपका ग्रूव है, तो बाहर थ्रेड से अंदर ग्रूव है। तो इस टाइप की जो मोल्ड होता है, इस मोल्ड की इजेक्शन कैसे होता है, आपने स्लाइडर देखा है, एंगुलर स्लाइडर देखा है, टी स्लाइडर देखा है, फ्लैट स्लाइडर देखा है, बहुत टाइप का स्लाइडर होते हैं जो मैं कराता हूँ। मैं अंडर स्लाइडर भी कराता हूँ, टी स्लाइडर भी कराता हूँ, तो वो थोड़ा सा हायर लेवल होता है। लेकिन ये जो स्लाइडर होता है ना, ये उससे भी हाई है। ये जो स्लाइडर आप देख पा रहे हो, ये उससे भी हाई है। इसकी इजेक्शन प्रोसेस ही अलग होता है। तो इस वीडियो में मैं कॉम्प्लेक्स चीज़ें आज बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा कि इस तरीके से स्लाइडर को आपको कैसे इजेक्ट करोगे, क्या मेकानिज्म होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम मोल्ड देख लेते हैं, मेरा मोल्ड जो है कैसा मोल्ड है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको मोल्ड की बात करूँ, यहाँ पे हमने जो है इस साइड में फिंगर कैम लगा रखा है, ठीक है। तो ये मेरा मोल्ड है, इस मोल्ड में हम इस साइड में फिंगर कैम लगा रखा है। अगर आपके पास इस तरीके से कंपोनेंट है, अगर आपको डिजाइन करवाना है, आप मेरे से डिजाइन करवा सकते हो। इस तरीके से मोल्ड वगैरह मैं बनाते रहता हूँ, और हमेशा मैं जो मोल्ड बनाता हूँ, कोई कोई केस में मैं असेंबली में बनाता हूँ, क्योंकि इस तरीके से मोल्ड को हमेशा आपको एनिमेशन करके आपकी जो जो कोलिशन होगा कैसे होगा, रोटेशन कैसे होगा, एनिमेट कैसे हो रही है, तो सारा चीज़ें करके देखना पड़ता है। अगर आप कहीं से भी मोल्ड डिजाइन सीख रहे हो, असेंबली में सीख रहे हो, तो वेल एंड गुड है। अगर आप असेंबली से नहीं सीख रहे हो, तो आपके लिए सारा पैसा बेकार है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा जो यहाँ पे देखो, मेरा कूलिंग टाइप, किस टाइप का कूलिंग है, इस टाइप का कूलिंग आप कर सकते हो। अगर आपको मोल्ड डिजाइन सीखना है तो मोल्ड डिजाइन में आपको इस तरीके से कूलिंग सिखाता हूँ। तो सारा जो है स्टैंडर्ड में सिखाऊंगा, ऐसे जो भी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, तो सारा चीज़ें मैं आपको स्टैंडर्ड में सिखाऊंगा। किस तरीके से कूलिंग निपल लेना है ना, किस तरीके कैलकुलेशन होता है, स्टॉपर पिन कैसे डालना है, डिवाइजर कैसे डालना है, हर एक चीज़ें की कैलकुलेशन होता है। तो उस तरीके से सीखना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने ओरिंग लगा रखा है, जो मेरा ओरिंग है। तो इस ओरिंग का क्या स्टैंडर्ड है, क्या कैलकुलेशन, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसकी कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ पे जो 11 मोल्ड यूज कर रखा हूँ मैं, ठीक है। ये जो 11 मोल्ड चलेगा मेरा किससे चलेगा, मोटर से चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोटर मैंने नहीं लगा रखा इसको मैं, क्योंकि मोटर मेरा यहाँ पे जो मैंने फाइल इंपोर्ट करा है वो थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सिस्टम थोड़ा हैवी हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा मोल्ड बनाओगे तो इसमें आपको असेंबली में ही बनाना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। लास्ट टाइम मैंने आपको बात किया था, जो मैंने ऑटोमोबाइल मोल्ड आपको दिखाए थे, उसमें मैंने बात करा था, बहुत बड़ा मोल्ड है जिसमें आपको 1200 पार्ट है, तो 1200 पार्ट को हैंडल करने के लिए आपको असेंबली में ही बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसकी कैविटी देखते हैं। तो आप जैसे आप केवीटी में देखते हो, तो यहाँ पे आपको केवीटी आ गया है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल कूलिंग कर रखा हूँ मैं, ठीक है, कुछ इसमें हेरा फेरी नहीं है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं केवीटी को गायब कर देता हूँ और मेरा जो कूलिंग चैनल है उसको मैं गायब कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने इंसर्ट लगा रखा हो, इस इंसर्ट जो है यहाँ पे देखोगे किस तरीके से इंसर्ट में ये गाइड होगा, ये स्लाइडर है बेसिकली आपका, ये स्लाइडर है। तो स्लाइडर है ये किस तरीके से चलेगा तो आपको मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो इंसर्ट को हमने इसमें सीएस के डाल के इसको हमने लॉक कर रखा है। ये जो मैकेनिज्म है ना, ये पूरा चलेगा स्लाइडर से, और इसको गाइड करने के लिए आपको क्या गाइड ब्लॉक्स चाहिए। तो ये जो गाइड ब्लॉक देख पा रहे हो, ये जो गाइड ब्लॉक है, ये पूरा इसको जो है डायरेक्शन देंगे, इसकी जो आपकी रोटेशन है ना, उस रोटेशन को कम्प्लीटली गाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मोल्ड है, अगर ये मोल्ड जो है ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि मैंने कोविड के टाइम में बहुत इसको बना के सेल भी करा है, तो ये 13-16 जगह में चल रहा है मॉल ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा अगर कोर की बात करें, मैं आपको कोर दिखा देता हूँ, हम जो यहाँ पे कोर दिखा देते हैं आपको, जो कोर है कुछ इस तरीके से मेरा कोर है ना। यहाँ पे जो आप गेट देखोगे तो इस तरीके से मेरा कोर है। तो यहाँ पे सिंपली जो है मैं देख पा रहा हूँ कूलिंग चैनल जो है किस तरीके से है। तो एक पार्ट के दूसरे पार्ट में गैप है, क्योंकि प्रॉपर कूलिंग करना जरूरी है, कंपोनेंट में थ्रेड्स है, तो थ्रेड डैमेज होने का फुल्ली चांस है। तो यहाँ पे इस तरीके से कूलिंग नहीं कर पाओगे आप, जिस तरीके से सोचे हो। ये कूलिंग जो होती है बेसिकली आप मोल्ड बीजा वगैरह से आप कर सकते हो, जिसको भी मोल्ड बीजा सीखना है नंबर मेंशन दे, वहाँ पे जाके आप टेक कर सकते हो। तो थर्ड केस होती है इसको गाइड करने के लिए, आपको अलग से एक ब्लॉक लगाना पड़ता है, जैसे मेरा गाइड रेल है। अब गाइड रेल क्या काम करेंगे, जो ये मेरा स्लाइडर है इसको आगे पीछे करने में ये काम आता है, पूरा मैकेनिज्म है इसमें, पूरा मैकेनिज्म है,
इस तरीके से चलेंगे, यहाँ पे गाइड होंगे। इसके गाइड के साथ ही नहीं, इसके साथ आपका एक चीज और आता है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मेरा फिंगर का हम काम करेंगे, पहले ये फिशे जाएंगे तो ये मेरा रॉड जो है इसमें ये रोटेशन करेगा। ऐसे रोटेशन नहीं करेगा, इसमें आपको एक प्रेशर जो है एग्जर्ट करना पड़ेगा, एक प्रेशर आपको एग्जर्ट करना पड़ेगा, तभी जो है आपका ये काम करेगा। ठीक है, तो ये आपने कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है। यहाँ पे स्प्रिंग है, एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए आपको स्प्रिंग देना पड़ेगा, क्योंकि जो इसमें प्रेशर एग्जर्ट होगा उसको एब्जर्व करना पड़ेगा। तो इसको कौन एब्जर्व करेगा, उसको एब्जर्व करेगा आपका यहाँ पे स्प्रिंग। ठीक है, तो ये था इसकी कॉन्सेप्ट। इसकी अगर मोल सीखना है तो आपको पेड क्लास वगैरह ज्वाइन करना पड़ेगा। इसमें आपको सारा तरीके से जो मोल्ड है इसमें मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बना के, क्योंकि जो मैं 11 मोल्ड वगैरह सिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, मतलब जो मैं 11 मोल्ड दूंगा आपको जो सिखाऊंगा उसकी वीडियो देखोगे आप, टूल बनने के बाद फोटो देखोगे, तो कंप्लीट प्रैक्टिकल टूल सीखोगे आप। जो भी चीजें सिखाऊंगा कंप्लीट प्रैक्टिकली, किस कंपनी में बन रहा है, कहाँ पे है, कंप्लीट प्रैक्टिकली सिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो कहीं से कुछ फाइल डाउनलोड वगैरह करके वो सारा काम मेरे से नहीं होता है, सीधा सिखाऊंगा और प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम 11 मोल की बात कर लेते हैं। अब देख पाओगे 11 मोल में है, ठीक है, यहाँ पे हम जिससे देख पाओगे गियर्स है। अब इसके जो गियर है इसकी कैलकुलेशन होता है, एक गियर दूसरे गियर से मीटिंग में कैलकुलेशन होता है। अगर 4 केवीटी अलग है, यहाँ पे देख पा रहे हो आप कितना है, 12 केवीटी है, तो 12 केवीटी में इसकी अलग कैलकुलेशन होती है। इसमें बूस्ट लगाना पड़ता है, इसमें वायरिंग लगाना पड़ता है, नायलन जो बूस्ट लगाओगे उसका अलग स्टैंडर्ड आती है, वो कहाँ से मिलेंगे आपको, कौन सा स्टैंडर्ड लेना है, क्या लेना है, अगर आपको जो गियर बनाते हो गियर रेशियो क्या है, ठीक है, इसकी पिच एंगल क्या है, हर एक चीज का आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होती है, जब गियर इंटरफेरेंस होता है ना, हम जो यार गियर लगाते हैं स्पार गियर आता है, तो स्पार गियर जो होता है दो टाइप का होता है, ठीक है, अब कौन सा टाइप है, कौन सा हमें यूज करना है, और एक के बीच में दूसरे के बीच में जो इंटरफेरेंस होगा कितना रखना है, तो हर एक चीजें हम जो वीडियो होती है, जो मेरा वेट क्लास होती है, इसमें हम डिस्कस करते हैं और आपको बना के दिखाता भी हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। तो अभी हम बात करते हैं ओरिंग के ऊपर, ठीक है, तो ओरिंग कैसे बनाता है, ओरिंग बनाने का क्या स्टैंडर्ड है, ओरिंग बनाने का क्या फॉर्मूला है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए आप ओरिंग कहाँ से आप ले रहे हो, क्योंकि हर एक का अलग अलग आता है, और ओरिंग में माइनस का फ्लैश भी होती है, उसकी W कैसे डिफाइन करोगे आप, उसकी थिकनेस कैसे डिफाइन करोगे, कोर साइड में कितना परसेंट रहेगा और केवीटी साइड में कितना परसेंट कंप्रेस होगा, तो कंप्रेशन रेशियो है वो कितना होना चाहिए, ये सारा चीजें ओरिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं ओरिंग बनाने से पहले। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ओरिंग समझाता हूँ, फिर उसके बाद इसको आपको जैसे आप विजुअली इसको देखोगे, जैसे आपने ऑलरेडी यहाँ पे देखा ही है जो ओरिंग है, लेकिन जो उसको विजुअली देखेंगे तो आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो ओरिंग लेते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको ओरिंग दिखाता हूँ, तो मेरा यहाँ पे ओरिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे देख पाओगे तीन टाइप का ओरिंग हम यूज करते हैं, एक स्टेटिक होता है, ये मूवेबल होता है, बहुत सबसे ज्यादा ही दोनों यूज होता है, ठीक है, तीन टाइप आता है, स्पेस मूविंग और स्टेटिक आती है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा हम स्टेटिक यूज करते हैं ओरिंग। तो स्टेटिक में जाता हूँ मैं, स्टेटिक में जाने के बाद जो ओरिंग मेरा होता है 3 mm से स्टार्ट होती है ओरिंग मेरा, ठीक है, तो यहाँ पे 3.1 इसलिए लिखता है कि 1 mm जो होती है वो फ्लैश आती है, 1 mm जो आपकी है फ्लैश आती है। तो अगर आपको ध्यान से देखते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखते हो, ये बेसिकली मिशुमी का स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार, इसको बनाने से पहले मैं साइड में ले लेता हूँ इसको, पहले हम जो है ओरिंग को ले आते हैं, आपको समझने में भी इजी हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हम ओरिंग में आते हैं, तो ये ओरिंग है, ठीक है, ये मेरा कौन सा साइड है, बॉटम साइड, और जो ऊपर वाला था वो मेरा कौन सा साइड था, हाउसिंग साइट है, ये मेरा केवीटी हाउसिंग, केवीटी इंसर्ट है और केवीटी हाउसिंग, तो केवीटी हाउसिंग और केवीटी इंसर्ट के हाउसिंग में दोनों में बीच में मुझे ओरिंग लगाना है। ओरिंग में कैसे लगाऊंगा, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड दिखाता हूँ, देखो हर एक का स्टैंडर्ड अलग होता है, ये मिशुमी का स्टैंडर्ड दिखाता हूँ। अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड ओरिंग की बात करूँ मैं, ठीक है, तो इसमें कैसा होती है, जो ओरिंग होती है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे 0.1 कितना है, 1.5 का दे रखा है, 0.15 का दे रखा है, बेसिकली यहाँ पे जो दूसरा स्टैंडर्ड होता है ना, मैक्सिमम जो मिलता है ना 0.0005, मतलब 5 micron का तक यहाँ पे एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है, ये लेकिन मिशुमी का स्टैंडर्ड है, इसका अलग आएगा आपको। अगर मैं इसकी हाइट की बात करूँ, जैसे हम यहाँ पे 0.1 का हाइट लेकर रखा है ना, तो यहाँ पे जो होता है 0.03, ठीक है, तो ये इसका इतना तक हाइट तक आना, ठीक है, 0.03 मैक्सिमम, ठीक है, तो ये होता है स्टैंडर्ड, ठीक है, लेकिन ये जो है अपना मिशुमी का खुद का स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो ये भी आप फॉलो कर सकते हो आप, क्योंकि देखो ऑर्डर तो करना है आपको मिशुमी से, या किसी से भी यूज कर सकते हो। मैं तो अभी मिशुमी का दिखा रहा हूँ, मैं अगर मोल विजट का आपको लाइब्रेरी बताऊँ उसमें तो आपको बहुत सारा ओरिंग मिल जाएंगे,
मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में आपके यहाँ पे मिशन यूज होता है। देखो अगेन मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा स्टैंडर्ड बताऊंगा और सारा चीज़ें कैलकुलेशन से बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे मेरा जो ये W देख पा रहे हो ना, यहाँ पे जो ये मेरा W देख पा रहे हो, W क्या है, ये जो W देख पा रहे हो ये मेरा थिकनेस है। W कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा, 3.1 से। तो 1 कहाँ है, ये जो 1 देख रहे हो ना, ये फ्लैश है, ये माइनूट सा फ्लैश आती है इसमें, ठीक है। क्योंकि जब भी ओरिंग बनते हैं रबर से बनता है, और रबर में फ्लैश जहाँ पे पार्टिंग होती है वो फ्लैश आती है। उसके लिए आपको जब मोल्ड बनाते हो रबर मोल्ड, थोड़ा सा आपको ये देखना होता है कि उसकी जो बैटिंग बढ़िया से हो, अच्छा सा टेफलॉन लगातार लगाओ, इंटरलॉक लगाओ उसमें, ठीक है, उसमें क्लोजिंग गैस लगाओ, तो वो सारा चीज़ें लगाना पड़ता है। तो इसमें क्या है, फ्लैश को आप इलिमिनेट कर सकते हो, हल्का सा पार्टिंग होता आता ही है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए हम जो यहाँ पे 3.1 लेके रखती है वो 3 mm का है। तो अब देखो यहाँ पे मैं बात करूंगा, जैसे मैं सिंपली समझा दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। तो ये मेरा, मैं इसको अलग कलर कर लेता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा डार्क कलर करूंगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा, मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो ये मेरा क्या है, लेट्स से ये मेरा क्या हाउसिंग है, ये मेरा हो गया केवीटी इंसर्ट, केवीटी इंसर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये केवीटी इंसर्ट हो गया, ठीक है, ये मेरा केवीटी इंसर्ट हो गया, और ऊपर मेरा क्या हो गया, केवीटी हाउसिंग, ठीक है, केवीटी हाउसिंग। अब दोनों के बीच में मुझे ओरिंग लगाना है। तो ओरिंग जो लगेगा, लेट्स से मेरा ये ओरिंग है, मैं इस तरीके से बना देता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं दोबारा से बनाना पड़ेगा, एस्केप कर दिया। ये मेरा पार्टिंग है, लेट्स से ये मेरा ओरिंग है, ठीक है, ये मेरा ओरिंग है। अब आपको ये देखना है, ये जो ओरिंग है ना, सर्कुलर ओरिंग है, मैं साइड से लिखूंगा तो रेक्टेंगल लिखूंगा, है ना। तो इसकी ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये और ये जो आप देख पा रहे हो ना, इनकी बीच में जो ये डिस्टेंस है ना, ये कितना होना चाहिए, इसके बीच में जो ये डिस्टेंस होता है, इसको हम अगर मान लो डिनोट करते हैं टी से, तो ये टी कितना होना चाहिए, स्मॉल टी की बात कर रहा हूँ, कैपिटल टी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो स्मॉल टी कितना होना चाहिए, तो ये स्मॉल टी होता है ना, जो थिकनेस होता है, जो आपकी थिकनेस होता है, इसको अगर मैं फॉर्मूला में पुट करूँ ना, तो ये होता है 15% से लेके 30% ऑफ थिकनेस इंटू टी। तो ये होता है फॉर्मूला ऊपर में, ऊपर में। अगर हम नीचे की बात करते हैं, जो अगर मैं नीचे की बात करूँ, मेरा अगर मान लो टोटल टी कितना है, टोटल टी कितना हो जाएगा, मान लो 3.1 है, 3.1 है, अगर 3.1 का 15% है, मैक्सिमम 30% में ले लेता हूँ, ठीक है। तो कितना होगा, यहाँ पे मैंने गलती से ये सिल कर लिया, तो यहाँ पे इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, मैं कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ कितना होगा, 30%, ठीक है, डिवाइडेड बाई इंटू 3, कितना होगा, 0.9 mm। तो 0.9 mm ये रहेगा केवीटी हाउसिंग में, और बाकी जितना भी पोर्शन होगा, मतलब कितना हो जाएगा, 2.2 mm जो होगा, ये किस में रह जाएगा, ये हाउसिंग में रह जाएगा। ये होता है इसकी फॉर्मूला। होप आपको अच्छा लगा, तो ये सारा चीजें जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो L आता है, L हम बात करते हैं, L क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा के आप यूज कर सकते हो। मैंने आपको मिशमी का स्टैंडर्ड दिखा दिया, इस तरीके से बनाना है, ये मोल मैंने आपको समझा दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो इसी तरीके से बनाना है, इसी तरीके अगर आपको मोल की ट्रेनिंग सिखाना है, कैलकुलेशन से सिखाना है, तो प्लीज हो, हर एक चीज़ें यूट्यूब में शेयर करना पॉसिबल नहीं है। लास्ट टाइम मैंने आपको एक वीडियो डाला था कि कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए कैसे क्रैक करना है, तो वहाँ पे क्या कम्युनिटी साइलेंस हो गया वहाँ पे, तो मेरा जो वीडियो है वहाँ से यूट्यूब ने रिमूव कर दिया, और अलग से मुझे एक हफ्ते के लिए यूट्यूब बैन कर दिया। तो मैं एक हफ्ते से कोई वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो बीच में मेरे साथ ऐसे हो गया, लास्ट वीक मेरे साथ ऐसे हो गया था, तो मैंने एक हफ्ते पहले जो है एक वीडियो डाला था, उससे पहले मैं लगभग 10-12 दिन वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो ऐसे दिक्कत होती है, तो कुछ कुछ चीज़ें मैं यूट्यूब में नहीं शो कर पाता हूँ। जिसको भी क्लासेस वगैरह लेना है ले सकते हैं, जो भी मेंबरशिप वगैरह लेना है मेंबरशिप वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे लोग जो है PDF लेते हैं, बाद में वीडियो मांगते हैं, तो देखो जो मैंने लिख रखा है वहाँ पे वो चीज़ें मिलेंगे। अगर आप मैं PDF कैलकुलेशन देता हूँ तो आपको PDF कैलकुलेशन मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको मैं रेगुलर क्लास दे रहा हूँ तो रेगुलर आपको वीडियो मिलेंगे उसमें। अगर मैं आपको वीकेंड क्लास ले रहा हूँ तो आपको वीकली क्लास मिलेंगे। तो एक बार जो भी मेंबरशिप लेना है उससे पहले एक बार देख लेना कि कौन सा आप मेंबरशिप ले रहे हो, उस चीज़ का आपको मिल जाएंगे। और जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, एडवांस लेवल में क्लासेस वगैरह आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि नंबर मेंशन है वहाँ पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से क्लासेस वगैरह देते रहता हूँ, रेगुलर मेरा प्रोजेक्ट में काम चलते रहता है, तो प्रोजेक्ट में जितने भी स्टूडेंट हैं उसको मैं बुला लेता हूँ, अलग अलग टाइप का प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, उसमें भी आपको सीखने को मिलता है, क्योंकि लाइव बुलाऊंगा, जो बनाऊंगा वो मैन्युफैक्चर होने वाला है, तो स्टूडेंट को बहुत कुछ चीज़ें आपको फायदा भी मिलेंगे, है ना। और देखो
बात ऐसा होता है, किसी को लाइब्रेरी वगैरह चाहिए तो लाइब्रेरी वगैरह भी क्लास में प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट की मेरे पास सभी लाइब्रेरी है। ठीक है, जो स्टूडेंट होते हैं जो जिस कोर्स में जॉइन करते हैं उसका लाइब्रेरी भी मिल जाती है। अब मोल्ड डिजाइन में ज्वाइन करते हो तो उसका भी लाइब्रेरी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। किसी को अगर कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज का वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।